हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राजस्थान में स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसी लेकर के आज जो ताज़ा अपडेट आई है उसे हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि बच्चों की परीक्षा कोरोना काल में अधूरी रह गई, दूसरे साल हमने अन्य तरीकों से पढ़ाई करवाने का फैसला किया। कोरोना के दौरान जो मंजर देखा उसके देखते हुए रोंगटे खड़े हो गए। आज भी हम स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, हमारी मजबूरी है। डोटासरा ने कहा कि हमने स्कूल खोलने को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा की, सब ने सहमति जता दी। विशेषज्ञों ने भी कहा कि छोटे बच्चों के स्कूल खोले जा सकते हैं, सहमति भी बन गई। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद राजस्थान में स्कूल खोलने के फैसले को टाल दिया गया था। गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूल नहीं खोलने को लेकर कहा कि थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए राजस्थान में स्कूल नहीं खोले गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों की चिंता की वजह से इस फैसले को टाला है। यह बात शिक्षा मंत्री डोटासरा ने सीकर के सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में कही है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।